अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को लेकर उठे विवाद में एक वायरल फोटो का सबसे बड़ा योगदान है। उस वायरल फोटो में एक खिड़की की जालियां दिखाई जा रही हैं, जिसमें हिंदू प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस फोटो को वायरल करते हुए महाराणा प्रताप सेना के राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया है कि यह फोटो अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का है। एक फोटो इतना बड़ा हंगामा खड़ा करेगा या किसी ने सोचा नहीं था। इस फोटो की वास्तविकता क्या है यह जानने का जिम्मा और इस फोटो वाले स्थान की तलाश शुरू की और यह तलाश खत्म हुई। दरगाह से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित ढाई दिन के झोपड़े के नाम से ख्यात नाम एक पूरा स्मारक पर यह तलाश के दौरान हम उस खिड़की को तलाश करने में कामयाब हुए जिसकी फोटो वायरल की जा रही थी। दरअसल अंतिम हिंदू सम्राट के पूर्वज विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान वंशीय राजा थे, उन्होंने एक संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था, जिसे बाद में मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी में ध्वस्त कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। यह अलग बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संस्कृत महाविद्यालय के भृगा वेषण वहाँ से नहीं हटाए गए और उसका इस्तेमाल मस्जिद की दीवारों पर चुनावाने में कर दिया गया और उसका इस्तेमाल मस्जिद की दीवारों को चुमाने में कर दिया गया। नतीजा आज भी इस स्मारक में जगह जगह हिंदू प्रतीक चिन्हियों वाली जालियों और कुछ स्थानों पर मूर्तियां दीवारों में साफ तौर पर नजर आती हैं। वायरल फोटो की सत्यता भी इस ढाई दिनों के झोपड़े में मिली है। दो पिलर्स वाली एक दीवार के बीच में यह खिड़की यहाँ साफ नजर आती है। यह वही खिड़की है जिसकी तस्वीर वायरल कर हंगामा खड़ा कर दिया गया। इस तहकीकात में यह बात साफ हो गई कि वायरल तस्वीर का संबंध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से नहीं है। जिस तस्वीर के आधार पर महाराणा प्रताप सेना ने दरगाह को मंदिर होने का दावा किया था, वो दावा पूरी तरह झूठा निकला। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में दरगाह का प्रबंध संभालने वाली दरगाह कमेटी के सदस्य बाबर चिश्ती भी सामने आए। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावे देश की शांति और आपसी सौहार्द को भंग करने की कोशिश की गई है। दरगाह पिछले 800 सालों से अमन और सौहार्द का पैगाम देती रही है। जिस तरह का दावा एक फेक फोटो को वायरल करके महाराणा प्रताप सेना कर रही है, वो एक शरारतन प्रयास है। सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। वहीं इस मामले में अजमेर की दरगाह के दीवान जैनुअल ओबेदीन के पुत्र नशरुद्दीन भी बतौर दरगाह दीवान प्रतिनिधि के रूप में मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि अजमेर की दरगाह का मुगलों से कोई संबंध नहीं है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अमन का पैगाम लेकर 800 साल पहले भारत आए थे। उस समय मुगलों का कोई अस्तित्व भारत में नहीं था। साथ ही उन्होंने महाराणा प्रताप सेना द्वारा किए जा रहे दावे को खारिज करते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के दावे पर अमन को ठेस पहुँचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।